एक कण है जिसका विस्थापन समीकरण वाई बराबर 5 sin π t है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसका आयाम बताइए, इसका कोणीय वेग बताइए, इसका आवर्तकाल बताइए और इसकी आवृत्ति बताइए। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको बस तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं इसको हम लोग। पहले आपके सवाल का दिया है वाई बराबर 5 sin 10 π t, मेन समीकरण होगा। इसकी तुलना किसे करेंगे, तुलना आप करेंगे वाई बराबर a sin ω t से। अब देखिए ये आयाम है ना, तो आयाम तो निकल चुका है, एक सेकेंड में निकल गया, a बराबर 5 मीटर होगा तो मीटर में जो भी आपका होगा। और इसकी तुलना जब करेंगे इसे तो टी से टी कट जाएगा, तो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, टी से टी कट जाएगा, केवल ओमेगा बराबर 10 π, इसका मात्रक बोलो रेडियन प्रति सेकेंड। ये ओमेगा भी निकल गया, ओमेगा को हम लोग जानते ही होंगे, एक बार फिर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कोणीय वेग कहते हैं। और आवृत्ति अगर निकालना है तो 2 π n बराबर 10 π, आवृत्ति निकालना है अकेले लिखेंगे 10 π/2π, 5 से π 2 से 10 5 बार में 5 हटस, क्या निकल गया आवृत्ति। चलिए आवर्त का निकालना है t बराबर, एक काम करिएगा इसको ये मान लीजिएगा, इसको ये मान लीजिएगा, इसको भी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिए, चलिए यहीं से सी मान लीजिएगा, इसको डी मान लीजिए। आवर्त काल बराबर 1/2 आवृत्ति होता है, आवृत्ति 5 है 5 दस 10 15 10 सेकेंड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ जाएगा। तो ये प्रश्न बा कि सरल अवत गति करते हुए कण की विस्थापन समीकरण वाई बराबर 0.2 sin π t है, तो सारा चीज़ निकालना है, आयाम कोणीय वेग कोणीय आवृत्ति। तो सुनिए ध्यान से, पहले ना जो सवाल है उसको हल करो, पहले लिखते हैं वाई बराबर 0.2 sin ω t, नहीं जो अंदेला बतौन लिखा जाओ, पहले इतना समझ में आया बताओ, तुलना करो। स्पेशली आपके लिए हम बता रहे हैं, स्पेशली वाई बराबर a sin ω t, चलो a बराबर 0.2 लिख दो, चलो हो गया आंसर। ω t π t ω t π t, टी से टी काट दो, ओमेगा बराबर खाली पाई लिखो, रेडियन प्रति सेकेंड। अगर आप चाहते हैं तो 3.14 भी रख सकते हैं, आप तो तीनों रखे हैं, पाई भी रखे हैं, 22/7 भी रखे हैं, 3.14 भी रखे हैं। बिकॉज यू आर ग्रेट स्टूडेंट ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस एरिया। चलिए अब तो नहीं हाई, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकालते हैं, आवर्ती निकालिए। तो ओमेगा की जगह पर याद रखिएगा 2π n होता है, आपको दिक्कत होता होगा, हाई सूत्र होता है 2π n, हाई पाई वही रखिए, n बराबर π/2π, हाई देखिए ना पाई से पाई कटा तो 1/2 रखिए, अब 2 ऊपर मत करिए, अब ये तो हम हाँ दुख लग रहा है, छेद हो रहा है बेचारा, तनि जीने दो और मुझे, काहे ख़त्म करने का भी चक्कर में। हाँ आवर्त काल तो 1/2 का होगा आवृत्ति, हाइयों का सूत्र होला, जब आवृत्ति निकल जाए तो आवर्त का निकाल लेना 1/2 आवृत्ति से, तो जहाँ आवृत्ति बता रखी है क्या बा 1/2, लेकिन हई कोनो रूल क्या हो, 3/2 थोड़े रहता है, 2 से अधिक ना उठा के ऊपर करो तो 2 चला जाएगा ऊपर, आ इतना सेकेंड है आवर्त काल, तो यह हमने कैंसर हो गया, बुझाई कि ना बुझाई कि बुझवा दी। चलो अगला आइटम हम लोग लिखते हैं, अब समझ में आ गया होगा, तंड वालों को पहले समझ ले लोगे क्या होगा, आओ समझो ध्यान से एकदम, कि सरल आवत गति करते किसी कण का वेग, यानी वेग का मतलब अभी विस्थापन समीकरण, तो वाई बराबर वेग कहेगा तो भी बराबर, तो पहले इस चित्र बना लेंगे कि यहाँ पर कोई कण है ए पर जो सरल आवर्त गति करता हुआ बी पर जाता है, जहाँ से इसकी आयाम ए है और इस पर लंब डाला गया है और इसका जो विस्थापन है वाई है और जो कोणीय विस्थापन है थीटा है। हमने वाई बराबर a sin ω t अभी आपने सिद्ध भी कर चुका है विस्थापन समीकरण में, हमें वेग लाना है, तो वेग लाने के लिए चाल लाने के लिए इसके नीचे दूरी यानी विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं, आप पढ़े भी होंगे विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, या कोई पिंड एकाक समय में जितना बार विस्थापित होता है वेग कहते हैं। तो क्या हुआ टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt, हाई dt वही बाकी जगह बा a sin ω t वैसे ही रख देना है।
है डी वाई बटा डी टी ये वैसे ही रख दो डी डी टी आ साइन ओमेगा टी वहीं रखा गया भाई, इससे कोनो मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है ये वैसे ही ओमेगा टी का अवकलन खाली ओमेगा साइन हमने कास ओमेगा टी में आपका चेंज हो जाएगा, कास ओमेगा टी में चेंज हो गया तो वाई बराबर कहाँ आ गया यहाँ पर आ जाओ भी। अब इसको दूरी और समय के अनुपात को बेग कहते हैं, बेग भी तो आपने भी लिख दिया ए ओमेगा वैसे ही कास ओमेगा टी है तो वैसे ही भी बराबर ए ओमेगा, लेकिन हमने ये कोशिश ही करेंगे कास के अंदर इंट्री करा देना है तो कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर के एक माने साइन स्क्वायर होता है ओमेगा टी। यहाँ पर आ जाओ अब इसको हटाना है तो हटाना है तो ए साइन ओमेगा टी है तो वाई बटा ए आ जाएगा साइन ओमेगा टी, यानी जहाँ हमारा साइन ओमेगा टी है वाई बटा ए रखेंगे तो रखिए वाई बटा ए स्क्वायर, तो एक वैसे ही रखो जब बड़ करोगे तो वाई के ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी एक के ऊपर स्क्वायर हई जगह बड़ा नहीं कर रही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है खाली अंदर वाला जो करे के बतन कर बाहर वाला तो गेट तर बैठ के पहारा कर रहा है कि कब ही निकलेगा कि हम कोटेंगे, कब निकलेगा कि हम कोटेंगे, पहारा करता बेचारा हई अंदर वाला अपन सिस्टम अपन कार्य करता है जा जा ए ओमेगा लसल ले तो कहा हो जाएगा ए स्क्वायर हई गुणा करोगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब हई कंडी से बहरी भाई बेचारा घर से बाहर निकली अकेले निकली स्क्वायर बातों तो ये से बेचारा है ये गोई वेट कर रहा था कि कब निकले कटेंगे हम, कट गया जो बच गया वही हमारा बेग हो गया, क्या हो गया बेग हो गया, बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जब भी अधिकतम बेग कहता है क्या कहेगा हो अधिकतम बेग जब कही तभी मैक्सिमम लिख लिया हई वाई स्क्वायर हो जाए जीरो, विस्थापन क्या होता है जीरो, विस्थापन जीरो तक का बचेगा ओमेगा ए स्क्वायर तो भी मैक्सिमम बराबर हो जैसे ए निकल जाए तो ए ओमेगा हो जाता है जब अधिकतम वेग पूछेगा तो कौन दिक्कत तो नोट करिए।